बात करें एक ब्रेकिंग न्यूज महत्वपूर्ण समाचार पर नजर करिए। जम्मू कश्मीर में आज थी चिल्लाई कलान की शुरुआत। 40 दिवस सुधी जम्मू कश्मीर में हार थी जबती ठंडी पड़े। आज थी जम्मू कश्मीर में ठंडी नो कहर शुरू थयो। भारे हिमवर्षा ने कारण लघुत्तम तापमान शून्य थी नीचे पहुंचू। 31 जान्युआरी चिल्लाई कलान पूरो थशे। कड़कड़ती ठंडी ने कारण स्थानिक लोग ध्रुजी उठ्या। पहाड़ों पर हिमवर्षा थी मैदानी प्रदेशों में हार थी जबती ठंडी थी लोग थर थर कापशे। महत्वनु जम्मू कश्मीर में 40 दिवस सौथी कातिल ठंडी समयगाड़ा ने चिल्लाई कलान के चिल्ले कलान कहेवामां आवे छे। दर वर्षे 21 डिसेम्बर थी 31 जान्युआरी सुधी कश्मीर में कड़कड़ती ठंडी पड़े छे। चिल्लाई कलान एक फारसी शब्द छे जेनो अर्थ थाय छे मोटी ठंडी। चिल्लाई कलान पछी 20 दिवस नो लांबो चिल्लाई खुर्द एटले के नानी ठंडी होय छे जे 31 जान्युआरी थी 19 फेब्रुआरी सुधी चाले छे। अने तेना पछी 10 दिवस चालनारी चिल्लाई बच्चा एटले के बेबी ठंडी नो समयगाळो होय छे जे 29 फेब्रुआरी सुधी होय छे। 40 दिवस ना समयगाळा में कश्मीर में रहता लोगों ने भारे हालाकी नो सामनो करवो पड़े छे। ने आ समयगाळा दरमियान दुनिया भर में जाणीती दाल लेक सहित जलाशयों पर थीजी जाए। 40 दिवस दरमियान जम्मू कश्मीर में भारे हिमवर्षा थाय छे जेना कारणे तापमान में सौथी मोटो घटाड़ो नोंधाय छे। घाटी में तो तापमान -10 થી 30 डिग्री सुधी पहुंची जाए छे। वधु माहिती साथे संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर। खालिद जी, जिस तरह से अब 31 जनवरी से ठंड ज्यादा बढ़ेगी, दाल लेक से लेके कई ऐसी जगह जहां माइनस में डिग्री पहुंचेगी, अभी का क्या हाल है, क्या जानकारी? देखिए, आज चिल्ले कलान जो कठोर 40 के दिन होते हैं उसकी शुरुआत हुई है और आज पहला दिन है। और आज अगर हम श्रीनगर की बात करें तो -4.3 रात का जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। कश्मीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रात का तापमान शून्य से ऊपर रिकॉर्ड किया गया हो। कई जगहों पे जो हिल स्टेशन है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, वहां पारा जो है -4 से लेकर -6 तक चला गया है। और लद्दाख कारगिल द्रास की बात करें तो वहां पारा जो है -10 -11 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। कई जगहों पर जो जमा हुआ जल था वो एकदम पत्थर जैसा बन गया है और ठहरा हुआ पानी जो है जगह जगह जमा हुआ दिख रहा है। कुछ दिन पहले जब -5 तक यहाँ पारा चला गया था तो जल के जो अंदरूनी इलाके हैं वो भी उनपे भी परत जो है बर्फ की जम गई थी। तो आज से कठोर 40 दिन जो है शुरू होते हैं कश्मीर में ठंड के, जिसके चलते हुए लोग पहले से ही तैयारी करते हैं। जो कोयला होता है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप मॉडर्न वर्ल्ड में हैं जो गर्मी देते हैं एक इंसान को, उन सब की जो है पहले से ही उनको जमा किया जाता है और उसके बाद आज से उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन वही प्रशासन भी ये जान के चल रही है कि जो बिजली की सप्लाई हो उस पर सुधार हो ताकि लोगों को जो है राहत मिले। आज से आज एक फेरन डे भी मनाया जा रहा है। फेरन एक पोशाक है जो कश्मीर का ट्रेडिशनल है, जो पहना जाता है ऊपर से ठंड को बचाने के लिए। तो उसके लिए एक फेरन डे का आयोजन भी किया गया है जो श्रीनगर के लाल चौक पे जो मनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर लोग भी तैयारी पहले से ही करते हैं क्योंकि बरसों से चले कलान के आते ही यहाँ कठोर ठंड शुरू हो जाती है और लोग इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयारी रखते हैं। कुछ ऐसे पकवान है जो खाए जाते हैं जिनसे गर्मी मिलती है। तो देखना होता है मौसम विभाग के मुताबिक जो आने वाले दिनों में सूखी ठंड पड़ रही है तो पारा और लुढ़क सकता है, लेकिन लोग इसके लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल खाली जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज साथ ही समाचार में नमस्कार।